उत्तराखंड देहरादून में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई देवस्थान बोर्ड की पहली बैठक का आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री द्वारा यह निर्णय रखा गया कि जो श्रद्धालु दर्शन करना चाहते हैं उनको ऑनलाइन दर्शन कराए जाएं, साथ ही ऑडियो के माध्यम से पूजा अर्चना की भी सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। मगर मुख्यमंत्री द्वारा ऑनलाइन दर्शन पर तीर्थ पुरोहितों के सामने आजीविका का संकट पैदा हो सकता है। लोगों द्वारा जब घर पर दर्शन कर लिए जाएंगे तो लोग मंदिर में किस प्रकार दर्शन को आतुर होंगे। वहीं राजपुर रोड से विधायक खजान दास का कहना है कि सभी बातों को ध्यान में रखा जा रहा है। मुख्यमंत्री द्वारा उत्तराखंड देवस्थान बोर्ड के लिए अलग अकाउंट बना गया है जिसमें राज्य सरकार द्वारा 10 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई गई है। जल्द ही बद्री केदार समिति के कर्मियों का समायोजन उत्तराखंड देवस्थान प्रबंध बोर्ड में की जाएगी, साथ ही तीर्थ पुरोहितों का पूरा सम्मान किया जाएगा। जो भी हानि उन्हें इस वर्ष श्रद्धालुओं के ना आने पर हुई है, मुख्यमंत्री द्वारा जल्द ही इसका भी समाधान निकाला जाएगा। सर, इसमें ये बोर्ड की बैठक हुई कल आप लोगों की, और क्या कहते हैं, ऑनलाइन पूजा अर्चना की बात हुई, लेकिन जो तीर्थ पुरोहित हैं उनका क्या होगा, फिर उनके लिए क्या व्यवस्था की गई? कल देवस्थानम बोर्ड की बैठक हुई है माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में, और विभागीय मंत्री आदरणीय सत्यपाल महाराज जी भी उस बैठक में थे। हमारे तमाम अधिकारी उस बैठक में शिरकत किए हुए थे और उन्होंने तय किया है कि अभी 10 करोड़ रुपया माननीय मुख्यमंत्री जी ने देवस्थानम बोर्ड के खाते में जमा करने के लिए शासन के द्वारा किया गया है व्यवस्था, और जो अन्य जो हमारा बद्रीनाथ केदारनाथ ट्रेवल कमेटी है उसका जो धन है उसका अभी वो एक ही खाता उसका बनेगा, एक ही खाते में जमा होगा। किंतु जहां तक तीर्थ पुरोहितों का सवाल है, तीर्थ पुरोहितों के लिए पहले ही मुख्यमंत्री जी कह चुके हैं कि उनके सम्मान पूर्वक उनकी व्यवस्था की जाएगी और इसके लिए वो तत्पर हैं, तैयार हैं, और कहीं पे उनके सम्मान के लिए कोई कमी नहीं आएगी। तीर्थ पुरोहितों का जो सम्मान पहले से होता आया है उनके हक हकूक के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आने वाली नहीं। वहाँ कई लोगों के आजीविका चलती थी, 6 महीने का रोजगार होता था, घोड़े वाले हैं, डंडे वाले हैं, ये बहुत बड़ी दिक्कत इस समय आ गई है। इस समय हम संकट से जूझ रहे हैं और मीन जो यात्रा का समय था वो अप्रैल और मई का महीना ये पूरा बीत चुका है। जून में 15 जून तक यात्रा प्रारंभ होती थी, यानी कि 80% की यात्रा ये 2-3 महीनों में ही पूरी हो जाती थी, 20% यात्रा बाकी महीनों में चलती थी। किंतु इस समय बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और हमारे जो तमाम जो पर्यटन से जुड़े हुए हैं, जो सीधे जिनका रोजी रोटी पर्यटन से ही सीधे चलती है, उनके परिवार उसी से पलते हैं, उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत आ गई है। इस दिक्कत को भी पूरी करेंगे, इस दिक्कत को दूर करने की कोशिश माननीय मुख्यमंत्री जी पूरी तरह से तत्पर हैं।